everyone, welcome or welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Anshika and today's video is all about some equipments that I have bought from Amazon. So recently मुझे अपनी second payment मिली थी YouTube से, तो finally मैंने कुछ savings करके मैंने Big Billion Sale से मैंने कुछ चीजें मैंने अभी Amazon से ली हैं, जो कि मैं I think आपको ring light तो समझ में आ ही गया होगा कि मैंने ring light में invest किया and of course this mic. एंड इसके अलावा मैंने आई थिंक 2 से 3 चीजें और ली है. सो इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. एंड ऑल्सो अगर आप एक बिगनर हैं, आपको नहीं पता है क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो. आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है. एंड यस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर सच अमेजिंग वीडियोस. सो या विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज द वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस माइक. सो दिस माइक इज फ्रॉम बोया एंड ये मुझे मिला था सेम 649 रुपीज का. बट अभी इसकी जो रिसेंट प्राइस है आई थिंक वो 750 या 700 सम अप्रॉक्स चल रही है. बट मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. ऑल्सो मैं यहाँ पे रिसेंट प्राइस जो अभी इसकी चल रही है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी. ये जैसा माइक आपको दिख रहा है वैसा नहीं आएगा, आपको ये सेटअप करना पड़ेगा. मतलब ये जो ऊपर का है ये अलग रहेगा, इसका सब कुछ अलग अलग रहता है, थोड़ा कंफ्यूजन जाता है. बट यार ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसे सेटअप कर लेंगे. ऑल्सो अगर आपको नहीं बने तो या यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक वन शॉर्ट वीडियो ऑन दिस. द लेंथ इज लाइक अप्रोप्रिएट, तो आपको कोई भी नीड नहीं है एक्स्ट्रा कुछ करने की. आपको अच्छी खासी लेंथ मिले, 10-12 मीटर है आई थिंक. सो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी इसकी एग्जैक्ट लेंथ कितनी है. और मुझे अभी तक कोई भी इशू नहीं गया है. बट अगर आपको ये महंगा लग रहा है तो इसके अलावा आपको सस्ते माइक भी अवेलेबल है लाइक 200-300 की रेंजेस में. बट वो लॉन्ग टर्म में नहीं कहूंगी, उनकी क्वालिटी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है. तो इसलिए अगर आपको अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि माइक के बिना लाइक काम ही नहीं चल रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. बट आई विल सजेस्ट कि उसमें थोड़ा और पैसा लगा के अगर आपको 700 में ये माइक मिल रहा है सो जस्ट गो फॉर इट. ऑलवेज चेक रिव्यूज ऑन Amazon अगर आप 200-300 के बीच का माइक ले रहे हैं, क्योंकि ये मैंने रिव्यूज चेक करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट किया. इसकी मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 90% ऑफ द रिव्यूज जो थे वो पॉजिटिव थे. ऑल्सो इसके मैंने यूट्यूब पर भी रिव्यूज चेक करे थे, इसलिए मुझे अच्छा लगा. So I've invested in this one and otherwise आपके ऊपर डिपेंड है, आपको जो भी लेना हो. So the next thing is ring light. So आपने last videos जो मेरी थी, कुछ last videos मतलब, आपने तब से notice किया होगा कि मैंने ring light purchase कर ली है. एंड बहुत सारे लोगों ने मुझसे पर्सनली भी पूछा था कि दीदी आपने कौन सी रिंग लाइट ली है, वो कैसी है, कितने की पड़ी एंड एवरीथिंग. सो ये है, मैंने डिजिटेक की ली है रिंग लाइट. एंड ऑल्सो ये मुझे प्रिया ने सजेस्ट करी थी. तो मेरा जो बजट था पहले रिंग लाइट का, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था रिंग लाइट का. सीरियसली मैंने सोचा था कि 500-1000 में रिंग लाइट आ जाती है, उसमें भी आ जाती है. बट अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लाइक हमेशा के लिए, मतलब आपको बार बार ना लेना पड़े और बार बार खराब ना हो वो रिंग लाइट, तो आई विल सजेस्ट की गो विद डिजिटेक. बट ये थोड़ी सी कॉस्टली है, थोड़ी नहीं मतलब बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, क्योंकि मेरी आधी पेमेंट इसमें चली गई थी. सो ये इसकी एक्चुअल प्राइस आई थिंक 4500 समय प्रॉक्स है. बट मुझे ये सेल में मिली थी 3500 की एंड डिस्काउंट के बाद मुझे 3400 सम अप्रॉक्स की मुझे मिली थी. रिसेंट प्राइस आई थिंक 3600 चल रही है. बट आई विल मेंशन द प्राइस हियर, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट. एंड ऑल्सो आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं. ऑल्सो मुझे ये रिंग लाइट इसलिए पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है. सो या आके फीचर्स देखते हैं अब. ओके, तो ये है मेरी रिंग लाइट एंड अभी मैंने इसे सेट करा है वाइट लाइट पे. बट इसमें आपको दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, दैट इज़ वाइट एंड येलो. तो ये है हमारा येलो शेड जो अभी जस्ट मैंने चेंज किया है. ऑल्सो येलो लाइटिंग में भी बहुत सारे ऐसे शेड्स मैं कहूँगी अवेलेबल है, लाइक बिल्कुल डिम येलो एंड लाइक बहुत ही ज़्यादा ब्राइट. तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसी भी लाइट आपको चाहिए हो तो आप उस अकॉर्डिंग अपने लाइट सेट कर सकते हैं. एंड वाइट में भी ऐसा है कि आप एक टाइम पर बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट भी मिल जाएगी एंड सेकेंड थिंग बहुत ज़्यादा डिम वाइट लाइट भी मिल जाएगी. तो मैं पीछे से आपको एक क्लियर पिक्चर व्यू दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आए वाइट मतलब लाइट कैसे चेंज हो रही है. तो आपको ये दो सर्कल्स दिख रहे होंगे वो चेंज करने के लिए. द वेरी फर्स्ट इज फॉर चेंज द लाइट कलर, दैट इज वाइट चाहिए आपको क्या येल्लो चाहिए. तो जैसे ही आप उसे रोटेट करेंगे, आप उसे घुमाएंगे, तो आपको वाइट लाइट और येल्लो लाइट में डिफरेंस दिख जाएगा. सो अभी वाइट है एंड जैसे ही मैं उसे चेंज करूंगी तो वो येल्लो हो जाएगा. तो ये पर्टिकुलरली जो मतलब बटन उन्होंने प्रोवाइड किया है वो है हमारा लाइट चेंजिंग के लिए. बट उसका जो साइड वाला है दैट इज द वेरी फर्स्ट वन, तो वो है हमारा डिम और ब्राइट करने के लिए. तो जैसे ही आप इसे मतलब अपने लेफ्ट में घुमाएंगे तो वो जो लाइट है वो डिम होती जाएगी एंड बिल्कुल बहुत ही डिम हो जाएगी. और फिर जैसे ही आप इसे राइट में घुमाएंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएगी. ये होल्डर मुझे ऑलरेडी उसमें मिला था एंड ऑल्सो दो जगह आप अपना फोन उसे मतलब लगा सकते हैं. तो होल्डर आपको जहां पर भी लगाना हो आप दोनों में कहीं पर भी सेट कर सकते हैं. तो ये है फुल रिंग लाइट जो कि
आप देख सकते हैं, और ये स्टैंड में भी मैंने इन्वेस्ट किया है। यस, तो वो नेक्स्ट उसमें बताती हूँ मैं। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज स्टैंड, क्योंकि मुझे ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था कि रिंग लाइट के साथ स्टैंड आता है, और मुझे प्रिया ने भी नहीं बताया था कि रिंग लाइट के साथ स्टैंड नहीं आता है। सो मैं इस कंफ्यूजन में थी कि शायद रिंग लाइट के साथ स्टैंड आएगा, और मैंने पढ़ा भी नहीं अमेजोन पे, मुझे बस वो विशलिस्ट में डाली थी और मैंने परचेज कर ली। एंड फिर जब वो रिंग लाइट आई, मैंने कहा वेयर इज द स्टैंड, आई मीन सो मुझे स्टैंड अलग से परचेज करना पड़ा। सो स्टैंड भी मैंने डिजिटेक का ही लिया है, क्योंकि फिर मैंने सोचा क्यों अब थोड़ा बहुत ही है तो वो और लगा देते हैं। सो इसलिए मैंने डिजिटेक का ही स्टैंड लिया है। एंड ये स्टैंड बहुत ही ज्यादा हैवी है, लाइक बहुत ही ज्यादा, कुछ टूटने वाला नहीं है, कुछ फूटने वाला नहीं है, क्योंकि ये है मेटल बॉडी, प्योर मेटल बॉडी का है। सो ये आपको मिल जाएगा 600 रुपीज का। एंड अभी आई थिंक अगर आप सेल में चेक नहीं करेंगे तो ये 700 सम अप्रोक्स का है, बट कभी कभी, मतलब हाँ, हफ्ते में एक आध दिन ये 600 का हो जाता है। सो अगर आपको स्टैंड में इन्वेस्ट करना है, ऑल्सो ये ट्राईपॉड के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मतलब क्वालिटी इज लाइक अमेजिंग, क्योंकि मेटल बॉडी है आफ्टर ऑल, सो कुछ भी आपका टूटने फूटने वाला नहीं है। सो आई विल सजेस्ट अगर आप ट्राईपॉड भी लेना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ऊपर का जो ट्राईपॉड का सेक्शन रहता है जिसमें मोबाइल फोन हम लगाते हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, तो वो आपको खुद अपने पुराने ट्राईपॉड का लगाना पड़ेगा। बट ये बेसिकली है रिंग लाइट और ट्राईपॉड के स्टैंड के लिए ही, तो इसलिए अगर आप एक ढूंढ रहे हैं स्टैंड तो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस। यस, ओके, तो ये है हमारा स्टैंड, यहाँ मैंने फिट करा है रिंग लाइट, एंड ये यहाँ से ओपन रहता है, यहाँ आप अपना मोबाइल सेट भी कर सकते हैं। ऑल्सो इसमें आपको 3 सेक्शन मिलेंगे जहाँ से आप इसकी जो रॉड है वो लंबी कर सकते हैं, तो मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ एक ही रॉड अभी ओपन करी है, बट अगर आप तीनों रॉड ओपन करेंगे तो ये मेरी अलमेरा जितना ओपन हो जाता है, तो मतलब आप इसकी हाइट समझ सकते हैं। ऑल्सो मुझे सिर्फ इतनी ही लेंथ चाहिए थी, इसलिए मैंने ये इतना बड़ा करके रखा है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ओके, सो द लास्ट थिंग ऑफ दिस हॉल इज दिस येलो बैकड्रॉप। मैंने ऑलरेडी आपके साथ व्हाइट बैकड्रॉप वाली वीडियो शेयर की हुई थी जब मैंने व्हाइट बैकड्रॉप परचेज किया था। यस, दिस इज अ बैकड्रॉप यू कैन सी। सो मैंने इसके बाद येलो बैकड्रॉप में इन्वेस्ट किया, क्योंकि मुझे फोटोशूट्स के लिए येलो बैकड्रॉप चाहिए था। एंड नेक्स्ट मैं परचेज करने वाली हूँ रेड वाला। सो क्वालिटी इज लाइक सेम जैसी इसकी थी, एंड प्राइस रेंज इज आई थिंक 350 रुपीज। तो अगर आपके पास घर में एक अच्छा खासा बैकग्राउंड नहीं है, जैसे मेरे पास नहीं था पहले, आपने देखा होगा, सो इसलिए मैंने व्हाइट वाले में पहले इन्वेस्ट किया। आप भी व्हाइट वाला पहले लीजिए, उसके बाद आप ब्लैक, येलो, पिंक, धीरे धीरे करके आप सारे ले सकते हैं। ऑल्सो देर आर टू, मतलब हम कहेंगे क्वालिटी डिफरेंस, क्योंकि ये है क्लॉथ मटेरियल में, एक और आता है शीट मटेरियल में, तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है, आई थिंक 700-800 और मतलब 1000 से भी अबव हो जाता है। बट अभी तक मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं करा, और मैं कहूंगी कि आप अगर एक बिगनर हैं तो आप पहले इस वाले के साथ जाइए, क्योंकि कोई नीड नहीं है ऐसे अपन को बहुत महंगा खरीदने का। सो इसलिए अगर आपके पास अभी तक बैकग्राउंड नहीं है, अगर अभी तक आपको प्रॉब्लम होती है कि लाइक बैकग्राउंड में क्या रखें क्या नहीं रखें, सो जस्ट गो फॉर दिस, क्योंकि ये हार्डली आपको 300-350 के बीच में पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट आई कैन से। यस, सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड ऑल्सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन दैट आपको कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो अभी तक, जिससे लेकर कंफ्यूजन है कि हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑल्सो आपको किस कंपनी का लेना है, लाइक मैं नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट सोच रही हूँ अभी कैमरे का, बट कैमरे के लिए मेरे पास अभी बजट बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि हमें यूट्यूब अभी इतना पे नहीं करता है। सो आई विल जस्ट वेट एंड सेव करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सो प्लीज टेल योर ओपिनियंस कि अभी आप कौन सी ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप ले रहे हैं या न्यू ईयर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो लेट्स जस्ट चिट चैट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो नेक्स्ट वीक से मैं ये वीडियोस बनाने वाली हूँ, दैट इज वेडिंग हैक्स। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बहुत ही अच्छा वेडिंग हैक है, सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसे जरूर ऐड करूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो आई विल गिव अ शूट आउट टू सम पीपल अगर उनके हैक्स मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टिल देन स्टे होम एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।